इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी की जमानत मंजूर कर ली है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 10,000 मसलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना बताएगा। जी बिल्कुल, ईमान मजारी के खिलाफ थाना बारा कोह में मुकदमा दर्ज था। इसी मुकदमे की समाअत आज जज अब्दुल हसनैत जुलकर नैन ने की और जज ने ईमान मजारी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। ईमान मजारी के खिलाफ दहशत गर्दों की माली मावनत करने का केस दर्ज था जो थाना बारा कोह में किया गया था। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 10,000 मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी की जमानत मंजूर कर ली है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 10,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना बताएगा। जी बिल्कुल, ईमान मजारी के खिलाफ थाना बारा कोह में मुकदमा दर्ज था। इसी मुकदमे की समाअत आज जज अब्दुल हसनैत जुलकर नैन ने की और जज ने ईमान मजारी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। ईमान मजारी के खिलाफ दहशतगर्दों की माली मावनत करने का केस दर्ज था जो थाना बारा कोह में किया गया था। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 10,000 मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।